हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आज ये लॉलीपॉप प्लांट को हम रिपोर्ट करने वाले हैं। जैसे कि देख रहे होंगे, इनकी कुछ ग्रोथ ऐसी हो गई है। ये दिख रहे हैं कप, तो ये इसमें लगे हुए हैं, इसी वजह से इनका जो ग्रोथ है वो अच्छा नहीं है। हमेशा इवनिंग में ही करना चाहिए रिपोर्टिंग, तो मैं इसकी शाम में रिपोर्टिंग कर रही हूँ आप लोगों को दिखाने के चक्कर में। फिर थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है, देखते हैं कैसा रहता है। इसका रिज़ल्ट जो भी रहेगा मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैं इसको पहले निकाल लेती हूँ। तो ये दो पौधे थे कुछ, बिल्कुल ही आराम से निकाल लेने हैं ताकि इनकी रूट्स ज़्यादा ना डिस्टर्ब हो। तो करना क्या है, इन्हें एक पानी में डाल के अच्छे से सही कर लेना है, जिससे इनकी रूट्स कोई ज़्यादा परेशान ना हो और ये कप जो है वो भी आसानी से निकल जाए। तो इसमें क्या करूँगी, थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट डाल दूँगी ताकि ये रूट्स को सॉक ना लगे और ये ठीक ठाक बनी रहे। बाकी हम इसी में ही इसको दोबारा लगा देंगे। तो करना क्या है, थोड़ा सा मिट्टी हम निकाल देते हैं जब तक ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो रही है। मैंने इसकी सारी मिट्टी बाहर निकाल दी और मैं देख रही हूँ इसका ड्रेनेज सिस्टम जो है वो ठीक है कि नहीं, क्योंकि इसमें एक जो है इस तरीके का दो ही छेद है, तो इसमें एक दो छेद और बनाऊँगी फिर इसको रिपोर्ट करूँगी अच्छे से। चलो ये काम हम कर लेते हैं। तो ये कुछ ऐसी कंडीशन में निकला है और इसकी रूट्स अच्छे से चल रही हैं और इसकी बहुत कम है। तो करना क्या है, इनको हमको कप को निकालना है, तो बहुत जल्दी करना है काम और बहुत ही सावधानी पूर्वक जो भी है इसका। ये होता क्या है, ये यहाँ से इसको रोक देता है। जैसे हम किसी पेड़ में बांध देते हैं ना लकड़ी, जब टूट जाता है या फिर उसे किसी से टेप से लगा देते हैं, तो वो क्या करता है, ग्रोथ वहीं पे रोक देता है अपनी और वो जुड़ना स्टार्ट हो जाता है। इसका भी सेम वही होता है कि ये ग्रोथ को रोक देता है और ये आगे बढ़ना ही नहीं देता पौधा। फिर कुछ दिनों बाद वो पौधा डैमेज हो जाता है। तो ये एक और पौधा था, उसका भी मैंने निकाल के रिपोर्ट किया है, लेकिन इसमें रूट्स बहुत कम हैं। तो देखते हैं इसके चांस क्या रहते हैं। दूसरा वाला तो तब भी ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन आपके पौधे की हो रही हो तो फटाफट से उसे निकाल के और रिपोर्ट कर लें ताकि आपका पौधा ख़राब ना हो। नहीं तो ये रुकने बढ़ने ही नहीं देगा और इसकी ग्रोथ को रोके रहेगा। और एप्सम सॉल्ट बहुत ज़रूरी है, यानी मैग्नीशियम, क्योंकि प्लांट को सॉक ना लगे इसलिए। और दूसरा क्या डालना है हमको, तो इस तरीके से हटाना आराम आराम से। और ये इस तरीके से इतना जकड़ लिया है इसकी रूट्स ने, इसको छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। ये कटिंग में इसीलिए लगाते हैं ताकि कटिंग टेढ़ी ना होए और सीधी रहे, और इस तरीके से ये पौधा अच्छे से ग्रोथ कर पाए, इसलिए इनको लगाते हैं। लेकिन ये नहीं पता ये बाद में कितनी ज़्यादा दिक्कत देती हैं। इतना फंस गया है ये कि निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ये कुछ ऐसी कंडीशन में निकला है, कुछ इतने बचे हैं इसके रूट्स। अभी तो इसका हाल चाल ठीक लग रहा है मेरे को। बाकी मैं इसका भी निकाल लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। इसमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये कुछ ऐसे निकले हैं इसके रूट्स। ये लाल मिट्टी में लगा हुआ था और ऊपर से कप में था, तो कुछ इतने निकल पाए हैं, कुछ कट भी गए हैं, हमें निकालने में कट गए हैं। तो ये कुछ ऐसे हैं। तो करना क्या है, थोड़ा सा हमको साफ़ लेना है
ताकि किसी तरीके से कोई फंगस ना लगे। इस तरीके से थोड़ा सा ये डाल देना है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम इसमें डाल दिया, थोड़ा सा इसमें सौग ना लगे प्लांट को इसलिए। तो इस तरीके से हम इसको बड़े आराम से लगा देंगे और ये मिट्टी जो है इसी से इसे कवर कर देंगे। बाद में जो मिट्टी हमने निकाली थी गमले से वो इसमें भर देंगे हम। और क्या करना है, इसको ना धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना है, ऐसी जगह रखना जहाँ हवा आए लेकिन धूप बिल्कुल इसको छू भी ना पाए, गर्माहट बिल्कुल ना मिले इसके रूट्स को, नहीं तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा इसके लिए सर्वाइव करना। तो जो भी कंडीशन इसकी रहेगी हम आपको दिखाते रहेंगे। और मैं तो यही चाहूँगी कि ये चल जाए, पौधे ख़राब ना हो। वैसे ठीक ठाक निकल गए, इतनी ज़्यादा इसकी रूट डिस्टर्ब हुई नहीं है, लेकिन फिर भी ये मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है अभी यहाँ पे, तो बहुत गर्मी आ जाती है, सुबह को बहुत तेज़ धूप आती है 8 बजे। तो ये जो पानी हमने मैग्नीशियम वाला घोल बनाया था, तो हम क्या करेंगे इसको भी इसी में अच्छे से डाल देंगे ताकि ये अच्छे से पानी पहुँच जाए जड़ों में। और तो इसे क्या करना है, अगर आपको पौधा ख़राब हो रहा है तो इसी तरीके से अपने पौधे को रिपोर्टिंग कर लें। और जो ये प्लास्टिक के जो निकलते हैं ना, ये रूट्स कुछ कट गए हैं, कुछ ये प्लास्टिक के दो ये थे उनको निकाला है। ये काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी इसे निकालने के चक्कर में। तो इस तरीके से आप भी अपने पौधे को मरने से बचा सकते हैं। देखते हैं क्या रहता है रिजल्ट, अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मुझे लग रहा है 100% ये चलेंगे, क्योंकि पहले तो मैंने रिपोर्टिंग पहले से ही इनका निकाल दिया था, कई पौधे और लगाए थे उनका, लेकिन इसको बहुत जून में करा था हमने ट्रांसफ़र इस गमले के अंदर, तो फिर ये नहीं निकाल पाए थे हम। हमने सोचा था जब दिक्कत होगी तो निकाल देंगे। चलिए जो भी रहेगी इसकी अपडेट हम आपको देते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो अगर आपका पौधा ख़राब हो रहा है तो इस तरीके से बचा सकते हैं आप अपने पौधे को, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए आज का वीडियो। क्योंकि आजकल मैंने देखा है जितने भी पौधे आ रहे हैं सब इसी तरीके से कपों में लगे आ रहे हैं, काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है हम लोगों को इसके लिए कि इन्हें ठीक से सेट करना हो, लगाना हो, और नहीं तो ये 1-8 साल चलेंगे फिर उसके बाद मर जाएंगे, क्योंकि मेरे मोगरा के 2-3 प्लांट ख़राब हो गए। तो मिलेंगे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए और पौधे लगाते रहिए और इस तरीके से रिपोर्टिंग कर लें। शाम हो गई है तो ये इवनिंग में ही आपको रिपोर्टिंग करना है, कभी भी दोपहर में या सुबह में, सुबह में करना तो अर्ली मॉर्निंग करना है, लेकिन सुबह में इतना पॉसिबल हो नहीं पाता है क्योंकि पौधे को पूरे टाइम फिर धूप लगती रहती है, फिर वो चलने के उसके चांस थोड़े कम हो जाते हैं, तो इसलिए रिपोर्टिंग हमेशा इवनिंग में ही करें। तो अपना ध्यान रखें, बाय बाय।